हेलो एवरीवन, दिस इज टुडे द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन इन विच वी विल डिस्कस ऑल इवेंट्स एंड इश्यूज विच हैव नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। सो वी विल डिस्कस मेनली फोर इशूज। द फर्स्ट इशू इज पावर असिमेट्री बिटवीन चाइना एंड रशिया। द सेकेंड इशू इज द कंटिन्यूइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी। एंड द थर्ड इशू इज डेमोग्राफिक एडवांटेज, इंडियन इकोनॉमी स्वीट स्पॉट। एंड फोर्थ इशू इज अ क्लाइमेट क्राइसिस एजेंडा रिमेन्स अर्जेंट। सो लेट्स डिस्कस ऑल द इशूज। पावर असिमेट्री बिटवीन चाइना एंड रशिया। द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इन 2022 हैज ब्रॉड अबाउट अ मेजर शिफ्ट इन द वर्ल्ड ऑर्डर। 2022 में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जब से इन्वेजन किया है, तब से वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर एक मेजर शिफ्ट शो हो रहे हैं। नॉट ओनली डिड इट ब्रिंग अबाउट अ स्ट्रोंगर ट्रांस अटलांटिक अलाइनमेंट विद रसिया, बट इट हैज ऑल्सो पुल्ड रसिया क्लोजर टू चाइना। बहुत सारे कंट्रीज के बीच में डिवाइडेशन हो चुका है। चाइना की तरफ रसिया का इंक्लिनेशन हुआ है, और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर रसिया के अगेंस्ट ऑर्गेनाइज हुए हैं, जैसे वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन यूनियन। और इसके साथ वेरियस वेस्टर्न कंट्रीज ने अपना एक यूनिटी शो किया है, स्पेशली रशिया के अगेंस्ट। द डीपनिंग साइनो रशियन रिलेशनशिप हैज बिकम अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन इन इंडिया एज वेल, बिकॉज साइनो रशियन रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, और इस स्ट्रॉन्गनेस की वजह से इंडिया के अंदर ये एक डिस्कशन का सब्जेक्ट बन चुका है। द कंसर्न इज दैट इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर नाउ पॉसिबली शेयर एन इंडिस्पेंसेबल फ्रेंडशिप विद इंडियाज प्राइमरी ओपोजिशन कंट्री चाइना, विच हैज इंस्टिगेटेड डिबेट अराउंड द रिलायबिलिटी ऑफ रसिया एज अ सिक्योरिटी पार्टनर। बिकॉज रसिया इंडिया का सिक्योरिटी पार्टनर और एक रिलायबल पार्टनर हुआ करता था, बट रसिया का जिस तरह से चाइना के साथ इंडिस्पेंसेबल फ्रेंडशिप आज हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक डिबेट क्रिएट कर रहा है कि क्या रसिया हमारा एक रिलायबल और सिक्योरिटी पार्टनर इन फ्यूचर कंटिन्यू रह सकता है या नहीं रह सकता है। हैज रसिया बिकम अ जूनियर पार्टनर ऑफ चाइना, क्या करंट में रसिया चाइना का एक जूनियर पार्टनर के तौर पर वर्क कर रहा है। रसिया एंड चाइना हैव अ जॉइंट ऑब्जेक्टिव टू रिफॉर्म द एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर लीड बाय यूएस। बिकॉज वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट में फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर यूएस के द्वारा लीड किए जा रहे हैं, और रशिया और चाइना दोनों कंट्री का ऑब्जेक्टिव है कि इस वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर रिफॉर्म किया जाए। बहुत कंट्री ट्राई टू प्रमोट डी डॉलराइजेशन एंड अल्टरनेटिव पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम। रशिया और चाइना दोनों कंट्रीज वर्ल्ड में चाहते हैं, जो वर्ल्ड के अंदर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर बना हुआ है, इसके अंडर दोनों कंट्री चाहते हैं कि डी डॉलराइजेशन किया जाए और साथ में अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम डॉलर की जगह पर कोई देखा जाए। इट मीन्स डॉलर के थ्रू आज जिस तरह से मैक्सिमम फाइनेंशियल और इकोनॉमिक डील होती हैं, दोनों कंट्रीज चाहते हैं कि डॉलर की जगह कोई दूसरा करेंसी यूज किया जाए। इवन एज टू सेटल्ड मोर देन 90% ऑफ देयर बायलेटरल ट्रेड इन लोकल करेंसीज इन 2023। डी डॉलराइजेशन को प्रमोट करने के लिए और अल्टरनेटिव पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम को बूस्ट करने के लिए दोनों कंट्रीज ने लास्ट ईयर 90% बायलेटरल ट्रेड जो किए थे वो लोकल करेंसी में किए थे। रशिया आइसोलेशन फ्रॉम द वेस्टर्न डोमिनेटेड ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम मेक चाइना एज एन अल्टरनेटिव। दिस असेंशियली लीव रशिया एंड चाइना मर्जी टू सेट द पेस फॉर रिफॉर्म। बिकॉज वेस्टर्न डोमिनेटेड ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से रशिया को वेस्टर्न कंट्रीज ने जिस तरह से आइसोलेट किया है, इसने कहीं ना कहीं रशिया को चाइना की तरफ इंक्लिनेशन होने के लिए बूस्ट किया है, और अब रशिया कंप्लीटली चाइना की मर्जी पर डिपेंड है। रशिया का आइसोलेशन एंड लिमिटेड रिसोर्सेज रेंडर इट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन चाइना टू पुल इट आउट ऑफ इट्स मिजरी। और रिजल्ट के तौर पर अब हम देख रहे हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं, दोनों कंट्रीज का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हिस्टोरिक रूप से इंक्रीज हो रहे हैं, और ये सब कहीं ना कहीं वेस्टर्न डोमिनेटेड ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से रसिया को आइसोलेशन की वजह से ऐसा हुआ है। और साथ में बिकॉज रसिया के जो रिसोर्स हैं वो काफ़ी लिमिटेड हो चुके हैं, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैन कर दिया गया है। बोथ कंट्रीज आर अगेंस्ट द यूएस लीड फाइनेंशियल ऑर्डर। दोनों कंट्रीज यूएस बेस्ड फाइनेंशियल ऑर्डर के अगेंस्ट हैं,
रशिया एंड चाइना बोथ कंट्रीज हैव अ शेयर्ड ग्रीवेंस अगेंस्ट द ड्यूअल हेजेमोनी ऑफ डॉलर एंड स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम सेंट्रल टू द करंट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। वर्ल्ड के अंदर जो करंट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है इसके सेंट्रल में ड्यूअल हेजेमोनी ऑफ डॉलर एंड स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम, ये दो सिस्टम सेंट्रल में है और दोनों ही कंट्रीज इन दोनों सिस्टम के कहीं ना कहीं अगेंस्ट रहे हैं। बहुत है परपेचुअल टेंशन विद द यूएस लीड जियोपॉलिटिकल ऑर्डर इन वेस्ट। वेस्ट के अंदर स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जियोपॉलिटिकल ऑर्डर को यूएस लीड करता है और इस वजह से रसिया और चाइना के यूएस के साथ टेंशन परपेचुअल रहे हैं। फॉलोइंग रसिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इन 2022 द यूएस एंड एलिज फ्रोज क्लोज टू $300 बिलियन ऑफ रसियाज फॉरेक्स रिजर्व्स हेल्ड ओवरसीज। रसिया ने 2022 से यूक्रेन पर जो अटैक किया था और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, इस इन्वेजन की वजह से यूएस एंड एलिज जितने कंट्री हैं यूएस के, इन सभी ने रसिया के फॉरेक्स रिजर्व जो कि अबाउट $300 बिलियन का है, इसको इन्होंने क्लोज कर दिया, फ्रोज कर दिया है। हाउ बायलेटरल ट्रेड बिटवीन रसिया एंड चाइना ग्रो इन रिसेंट ईयर्स। रिसेंट ईयर्स में रसिया और चाइना के बीच में बायलेटरल ट्रेड किस तरह से ग्रो हुआ है। फर्स्ट, चाइना रशिया ट्रेड अपीयर्स सिमेट्रिक ओवर द ईयर्स। इन 2023 वाइल एक्सपोर्ट टू चाइना मेड अप फॉर अराउंड 30.4% ऑफ रशिया टोटल एक्सपोर्ट, रशिया अकाउंटेड फॉर ओनली 3% ऑफ चाइना टोटल एक्सपोर्ट। रशिया का टोटल जितना एक्सपोर्ट किया जाता है 30.4% एक्सपोर्ट ओनली चाइना के साथ किया जाता है, जबकि चाइना का एक्सपोर्ट अगर कंपेयर किया जाए रशिया के साथ ओनली 3% एक्सपोर्ट चाइना का रशिया के साथ होता है। वाइल इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना अकाउंटेड फॉर 36% ऑफ रशिया टोटल इम्पोर्ट इन 2023, चाइनाज इम्पोर्ट फ्रॉम रशिया अमाउंटेड टू -5% ऑफ इट्स टोटल इम्पोर्ट। बात अगर इम्पोर्ट की जाए, रशिया ओवरऑल इम्पोर्ट का 36% इम्पोर्ट चाइना के साथ करता है, लास्ट ईयर का डाटा है, और चाइना के अगर इम्पोर्ट की बात की जाए रसिया से ओनली -5% चाइना इम्पोर्ट करता है। सेकेंडली, मोर देन 70% ऑफ रसियाज एक्सपोर्ट टू चाइना वर एनर्जी फॉसिल फ्यूल इन 2022। इन कॉन्ट्रास्ट, चाइनाज एक्सपोर्ट टू रसिया वर रिलेटिवली मोर डाइवर्सिफाइड। 2022 में रसिया ने चाइना के साथ जितना एक्सपोर्ट किया उसका 70% एनर्जी सेक्टर में इम्पोर्ट किया, जबकि चाइना का एक्सपोर्ट रसिया के साथ मोर डाइवर्सिफाइड रहा है। दिस मेक चाइनाज एक्सपोर्ट टू रसियाज एक्सपोर्ट टू चाइना प्रोन टू शॉक एंड अनसर्टेनिटीज। ये जो यहाँ पर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में दोनों कंट्रीज के बीच में गैप है, ये कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप को, ट्रेड रिलेशनशिप जो भी है, ये अनसर्टेनिटीज पैदा करता है। थर्डली, नॉट ओनली आर रसियाज एक्सपोर्ट टू चाइना डोमिनेटेड बाय एनर्जी बट अ मेजोरिटी ऑफ रसियाज ग्लोबल एनर्जी एक्सपोर्ट आर ऑल्सो कंसेंट्रेटेड इन चाइना। करंट में अगर देखा जाए रसिया का जो ग्लोबल एनर्जी एक्सपोर्ट है सबसे ज़्यादा चाइना के अंदर कंसंट्रेट हो रहा है। दिस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज द रेवेन्यूज फ्रॉम द एनर्जी सेक्टर हैव कंट्रीब्यूटेड बिटवीन 30% to 50% ऑफ रशिया एनुअल फेडरल बजट इन लास्ट 10 ईयर्स। एनर्जी सेक्टर रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज लास्ट 10 ईयर्स के अंदर अगर डाटा देखा जाए तो रशिया का जो भी ईयरली फेडरल बजट होता है एनुअल, उसका 30% to 50% जो इसको जनरेट होता है वो एनर्जी सेक्टर की वजह से रेवेन्यू जनरेट होता है। ऑयल एंड गैस सेक्टर कंट्रीब्यूट अबाउट 20% ऑफ रशिया जीडीपी। दैट इज व्हाई चाइनाज इकोनॉमी लार्जली डिपेंड ऑन रशियाज इकोनॉमी लार्जली डिपेंड ऑन चाइना नाउ बिकॉज ऑयल एंड गैस सेक्टर रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जीडीपी का 20% के लिए कंट्रीब्यूट करता है। ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो चाइना की तरफ शिफ्ट हो गए हैं और यही वजह है कि रसिया इकोनॉमी लार्जली चाइना के ऊपर डिपेंड हो चुकी है। फोर्थ, रसिया हैज बिकेम कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ हाई प्रायोरिटी गुड्स रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग वेपनरी लाइक मिसाइल्स ड्रोन्स एंड टैंक्स विच आर क्रिटिकल टू प्रोड्यूसिंग मशीन टूल्स नेसेसरी फॉर आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग ऑन गोइंग वॉर विद यूरोप। रसिया करंट में चाइना का कम्प्लीटली डिपेंडेंट पार्टनर बन चुका है और हाई प्रायोरिटी गुड्स रसिया को जितने रिक्वायरमेंट है स्पेशली वेपनरी गुड्स लाइक मिसाइल ड्रोन्स एंड टैंक्स,
इन सभी हाई प्रायोरिटी गुड्स के लिए रसिया चाइना पर डिपेंड हो चुका है, बिकॉज ये जितने भी वेपनरी टूल्स हैं ये मशीन प्रोड्यूसिंग के लिए क्रिटिकल हैं, और करंट में रसिया का जो यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा है उसके लिए आर्म मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए टूल्स मशीन टूल्स का जो इम्पोर्ट करना होगा रसिया को चाइना के साथ करना है। फिफ्थ, ड्यू टू वेस्टर्न सेंक्शंस रसिया सप्लायर टू इट्स ट्रेडिशनल पार्टनर हैव ड्राइड अप एट दिस टाइम, चाइना हैज स्टेप्ड अप टू हेल्प इट्स फ्रेंड कंपेयर टू 2021 व्हेन हाई प्रायोरिटी गुड्स फ्रॉम चाइना अकाउंटेड फॉर 32% ऑफ रशियाज इम्पोर्ट नीड्स, चाइना शेयर सो टू 89% इन 2023। बिकॉज वेस्टर्न सेंक्शंस की वजह से रसिया के जो ट्रेडिशनल सप्लायर्स होते थे, स्पेशली रसिया जिन कंट्रीज को सप्लाई करता था वो ड्राइड अप हो चुका है, और इसकी हेल्प करने के लिए चाइना ने स्टेप अप किया, बिकॉज रसिया अदर कंट्रीज को जितने एनर्जी प्रोडक्ट या अदर चीज़ें सप्लाई करता था उससे रसिया को कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट होता था, बट ट्रेडिशनल पार्टनर के साथ सप्लाई ड्राइड अप होने की वजह से इसका रेवेन्यू जनरेशन रिड्यूस हो गया, और यहाँ पर चाइना ने स्टेप अप किया। 2021 का अगर 2023 के साथ कंपेयर किया जाए, हाई प्रायोरिटी गुड्स का जितना रसिया इंपोर्ट करता है, इस इंपोर्ट का 32% इंपोर्ट चाइना के साथ करता है रसिया। 2023 में हाई प्रायोरिटी गुड्स का इंपोर्ट रसिया के द्वारा चाइना से 89% तक यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। इट मीन्स 32% से 89% तक इंपोर्ट रसिया का हाई प्रायोरिटी गुड्स में इंक्रीज हुआ है। एडिशनली चाइना शेयर इन रशियन इंपोर्ट्स ऑफ क्रिटिकल मशीन टूल हैव इंक्रीज फ्रॉम 28% इन 2001 टू 59% इन 2022। बाद अगर क्रिटिकल मशीन टूल की जाए, 2021 में रसिया ओवरऑल इंपोर्ट का 28% इंपोर्ट चाइना से किया करता था, बट 2022 में ये 59% तक पहुंच गया। इन 2023 ऑलमोस्ट ऑल ऑफ रसिया रिक्वायरमेंट वर सोर्स फ्रॉम चाइना। लास्ट ईयर ये डाटा शो करता है कि रसिया की ज़्यादातर रिक्वायरमेंट चाइना के थ्रू कंप्लीट की जा रही थी। सिक्स, ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स चाइना हैज कम्प्लीटली डिथ्रोन्ड द यूरोपियन यूनियन एज रसिया प्राइमरी ट्रेड पार्टनर, बिकॉज यूरोपियन यूनियन पहले रसिया का प्राइमरी ट्रेड पार्टनर हुआ करता था, अब रसिया को डिथ्रोन करके चाइना कम्प्लीटली इसका ट्रेड पार्टनर बन चुका है। चाइना हैज एब्जॉर्ब मेजोरिटी ऑफ रसिया लॉस इमिनेटिंग फ्रॉम रिड्यूस्ड ट्रेड विद द यूरोपियन यूनियन, दिस हैज मेड रसिया ट्रेड फिगर्स लार्जली स्टेबल डिस्पाइट स्ट्रिंजेंट सिंक्शंस फ्रॉम द वेस्ट। टू सम अप, चाइना हैज इमर्ज एज रसिया मोर इंडिस्पेंसेबल पार्टनर। यूरोपियन यूनियन के साथ जो पहले ट्रेड हुआ करता था यूक्रेन वॉर से पहले, इसको जितना प्रॉफिट होता था वो प्रॉफिट इसका रिड्यूस हो चुका है, बट इस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए चाइना ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, बिकॉज अब रसिया का ट्रेड चाइना के साथ बढ़ चुका है, और सम अप अगर किया जाए तो चाइना रसिया का एक मोस्ट इंडिस्पेंसेबल पार्टनर के तौर पर इमर्ज हुआ है। व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया, रसिया का चाइना की तरफ इंक्लिनेशन, इंडिया के लिए इसका क्या मीनिंग है। डिस्पाइट ऑल गुडविल्स दैट एग्जिस्ट इन द रसिया इंडिया रिलेशनशिप, रसिया जियोपॉलिटिकल गोल्स अलाइन मोर क्लोजली विद बीजिंग देन न्यू दिल्ली। इंडिया और रसिया के रिलेशनशिप में जितना भी गुडविल है, इसके बावजूद भी रसिया का जियोपॉलिटिकल गोल कहीं ना कहीं न्यू दिल्ली को छोड़कर बीजिंग की तरफ अलाइन होता हुआ दिख रहा है। दोनों कंट्रीज के बीच ट्रेड काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं, और इस ट्रेड का अगर इंडियन ट्रेड के साथ, स्पेशली रसिया का इंडियन ट्रेड के साथ कंपेयर किया जाए तो ये काफ़ी स्मॉल परसेंटेज है। इट मीन्स रसिया और चाइना का जो ट्रेड है वो इंडियन ट्रेड का कंपेयर में बहुत हाई है। द स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट बिटवीन चाइना एंड रसिया इज टू डीप एंड द असिमेट्री इन दियर इकोनॉमिक टाइज इज टू वाइड, इफ रसिया इज गिवन टू ऑप्शन न्यू दिल्ली वर्सेज बीजिंग रसिया विल चूज बीजिंग। रसिया और चाइना के बीच में स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट इतना डीप है और इतना असिमेट्री है कि अगर रसिया को न्यू दिल्ली वर्सेस बीजिंग टू ऑप्शंस दिए जाते हैं चूज करने के लिए, तो रसिया डेफिनेटली बीजिंग को चूज करेगा। दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बाय रसिया एंड चाइना टू ईच अदर। इन द अपर राइट रसिया एक्सपोर्ट वी कैन सी हेयर
रसिया का जो एक्सपोर्ट है यूरोपियन यूनियन के साथ है, इंडिया के साथ है, चाइना के साथ है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। ग्राफिकली हम देख सकते हैं कि लास्ट कुछ ईयर्स में रसिया का एक्सपोर्ट चाइना के साथ इंक्रीज हुआ है, जबकि यही एक्सपोर्ट 2013 में 39.7% था, करंट में 129.1 बिलियन में होगा। और बिलो राइट साइड हम देख सकते हैं रसिया का इंपोर्ट यूरोपियन यूनियन के साथ, इंडिया के साथ, चाइना के साथ, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ क्या रहा है। लेफ्ट अपर साइड में हम देख सकते हैं चाइना ट्रेड विद रसिया, चाइना का रसिया के साथ ट्रेड जो रहा है 2014 में हम देख सकते हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कम था, उसके बाद 2015 में और भी कम हो जाता है। 23 में अगर देखा जाए तो रसिया का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बहुत हाई हो चुका है। लेफ्ट बिलो साइड हम देख सकते हैं चाइना का एक्सपोर्ट बास्केट क्या रहा है रसिया के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, यूएस के साथ, जापान के साथ, ताइवान के साथ, कोरिया के साथ। एंड इन द राइट साइड हम देख सकते हैं रसिया का लार्जेस्ट एनर्जी बायर कौन कौन से कंट्री हैं। कोल का अगर देखा जाए लास्ट कुछ ईयर्स में कोल सेक्टर के साथ चाइना का काफ़ी बॉन्डिंग हुआ है रसिया के साथ। एंड क्रूड ऑयल का हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, एलएनजी का कंपेयर कर सकते हैं, एलपीजी का कंपेयर कर सकते हैं, ऑयल प्रोडक्ट का हम कंपेयर कर सकते हैं, पाइपलाइन गैस का हम कंपेयर कर सकते हैं। बात अगर कोयल की जाए तो रसिया का लार्जेस्ट एनर्जी बायर पार्टनर यहाँ पर हम कलर के हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं चाइना रहा है। क्रूड ऑयल का लार्जेस्ट पार्टनर चाइना रहा है एंड एलएनजी का लार्जेस्ट पार्टनर यूरोपियन यूनियन रहा है। लेफ्ट साइड की अगर बात की जाए चाइना इम्पोर्ट बास्केट, चाइना का इम्पोर्ट बास्केट यहाँ पर शो किया गया है। द कॉन्टिन्यूइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेथ पेनल्टी, इस आर्टिकल के अंदर हम इंडिया के अंदर रेप, मर्डर एंड डेथ सेंटेंस या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड कुछ डाटा यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। द लाइफ ऑफ द डेथ सेंटेंस इन इंडिया हैज बीन अनएंडिंग, इंडिया के अंदर लाइफ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं। रिसेंटली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पास्ड अपराजिता वुमेन्स एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2024, द रीजन बिंग द ब्रूटल रेप एंड मर्डर ऑफ द डॉक्टर एट कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। बिकॉज कुछ मंथ पहले वेस्ट बंगाल के अंदर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंडर एक रेप एंड मर्डर होता है, इसके बाद वेस्ट बंगाल के अंदर अपराजिता वुमेन्स एंड चाइल्ड बिल 2024 पास किया जाता है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। इट सीक टू अमेंड द भारतीय नागरिक न्याय संहिता 2023 BNS, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 इन दियर एप्लीकेशन टू द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर जो ये अभी नया बिल पास किया गया है, इसकी वजह से वेस्ट बंगाल के लिए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड पोक्सो एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट करने होंगे। इट इंट्रोड्यूस द डेथ पेनल्टी फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप। वेस्ट बंगाल के अंदर जो अपराजिता वुमेन्स एंड चाइल्ड बिल 2024 पास किया गया है, इसके अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि रेप का जो एक्यूज पर्सन है उसको डेथ पेनल्टी किया जाएगा। रेप्स एंड मर्डर रिलेटेड डाटा इन इंडिया, इंडिया के अंदर रेप एंड मर्डर से रिलेटेड यहाँ पर कुछ डाटा पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इन 2022 अलोन द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिकॉर्डेड 31,516 रेप इन इंडिया, नियरली 4 each hour एंड 248 केसेस ऑफ मर्डर विद रेप गैंग रेप। 2022 का यह डाटा है इंडिया के अंदर, स्पेशली नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का यह डाटा है इंडिया के अंदर। 2022 में 31,516 रेप केसेस फाइल किए गए थे और इस डाटा के अकॉर्डिंग एवरी आवर इंडिया के अंदर 4 रेप के केसेस यहाँ पर काउंट किए जाते हैं। अबाउट 248 केसेस मर्डर से रिलेटेड थे, स्पेशली रेप या गैंग रेप के बाद। राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश टॉप द लिस्ट विद 5,399, 3,690 एंड 3,029 रिकॉर्डेड केस ऑफ रेप रिस्पेक्टिवली। इंडिया के अंदर स्टेट वाइज अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा रेप एंड मर्डर राजस्थान में होते हैं, उसके बाद यूपी, उसके बाद एमपी। राजस्थान के अंदर 5,399 का डाटा है, यूपी के अंदर 3,690 का डाटा है, एमपी के अंदर 3,029 का ये डाटा रिकॉर्ड किया गया है, स्पेशली नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये डाटा है। स्टेटस ऑफ डेथ पेनल्टी इन वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर डेथ पेनल्टी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ डाटा हम स्टडी करेंगे। इन ग्लोबल फिगर्स
फ्रॉम एमनेस्टी इंटरनेशनल, एट द एंड ऑफ 2023 नियरली थ्री क्वार्टर्स ऑफ कंट्रीज हैड अबोलिश द डेथ पेनल्टी इन लॉ और प्रैक्टिस. 112 कंट्रीज हैड कंप्लीटली अबोलिश द डेथ पेनल्टी इन लॉ फॉर ऑल क्राइम्स, वेल 144 कंट्रीज ओवरऑल हैड अबोलिश द डेथ पेनल्टी इन लॉ और प्रैक्टिस. एमनेस्टी इंटरनेशनल का एक ग्लोबल फिगर यहाँ पर डेथ पेनल्टी से रिलेटेड यहाँ पर शो किया गया था. 2023 के एंड तक इंडिया के अंदर लॉ फॉर ऑल क्राइम्स, इट मीन्स इंडिया के अंदर अबाउट 112 ऐसे कंट्रीज थे लास्ट 2023 के लास्ट मंथ तक जिन्होंने डेथ पेनल्टी को स्पेशली लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर अबोलिश किया. और अबाउट 144 ऐसे कंट्रीज थे जिन्होंने प्रैक्टिस, जो डेथ पेनल्टी का प्रैक्टिस होता है विदाउट लॉ और लॉ के अकॉर्डिंग भी एक डेथ पेनल्टी होता है, तो 144 कंट्रीज टोटल ऐसे थे जिन्होंने लॉ के अकॉर्डिंग एंड प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग डेथ पेनल्टी को यहाँ पर अबोलिश किया. बट 55 कंट्रीज स्टिल रिटेन द डेथ पेनल्टी इन लॉ एंड प्रैक्टिस. आज भी अबाउट 55 कंट्रीज वर्ल्ड के अंदर हैं जहाँ पर डेथ पेनल्टी लॉ के अकॉर्डिंग या प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग अभी भी दिया जाता है. इन साउथ एशिया वाइल भूटान एंड नेपाल आर द ओनली एबोलिशनिस्ट फॉर ऑल क्राइम्स, द मालदीव एंड श्रीलंका आर एबोलिशनिस्ट इन प्रैक्टिस. साउथ एशिया के कुछ कंट्रीज का अगर कंपेयर किया जाए, भूटान एंड नेपाल ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने ऑल क्राइम्स के लिए डेथ पेनल्टी को एबोलिश किया है, जबकि मालदीव एंड श्रीलंका के अंदर प्रैक्टिस में पहले डेथ पेनल्टी हुआ करता था, इन्होंने प्रैक्टिस इस प्रैक्टिस को एबोलिश कर दिया है. इंडिया अलॉन्ग विद अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान आर द रिटेंशनिस्ट. प्रोजेक्ट 39A रिपोर्ट्स दैट इन 2023 अलोन इंडिया हैड 120 रिकॉर्डेड डेथ सेंटेंस. इंडिया के अंदर भी अभी भी डेथ पेनल्टी का प्रोविजन है. इंडिया का साथ साथ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पर डेथ पेनल्टी का प्रोविजन आज भी है. 2023 की अगर बात की जाए, इंडिया में अबाउट 120 डेथ सेंटेंसेस रिकॉर्ड किए गए थे. इट मीन्स लास्ट ईयर अबाउट 120 पीपल को डेथ सेंटेंस कोर्ट की तरफ से रूल किया गया था. देर वर नो रिकॉर्डेड एग्जीक्यूशन एंड द नंबर इज डाउन फ्रॉम 167 इन 2022. 2022 में अगर कंपेयर किया जाए, अबाउट 167 पर्संस को डेथ सेंटेंस दिया गया था. 2023 का डाटा हमने देखा, 120 पीपल को यहाँ पर डेथ सेंटेंस इम्पोज किया गया था, बट लास्ट ईयर एग्जीक्यूशन का कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पर शो नहीं किया गया. मोर ओवर देयर वर 561 पीपल अंडर द डेथ सेंटेंस इन इंडिया एट द एंड ऑफ 2023, अ कॉन्स्टेंट राइज सिंस 2019 व्हेन इट वॉज 378. 2019 तक अबाउट 378 पर्सन ऐसे थे जिन्हें डेथ सेंटेंस दिया जा चुका है, और 2023 के एंड तक ये नंबर 561 तक रीच हो चुका है. इट मीन्स हमारे कंट्री के अंदर ऐसे पीपल जिनको डेथ सेंटेंस दिया जा चुका है करंट में अबाउट 561 का ये डाटा है. इट इज ऑल्सो द हाईएस्ट डेथ रो पॉपुलेशन इन अ कैलेंडर ईयर इन अराउंड टू डिकेट्स. टू डिकेट्स की अगर यहाँ पर कंपेयर किया जाए, तो अदर डिकेट्स के कंपेयर में टू डिकेट्स का जो डाटा है डेथ पेनल्टी फाइंड करने वाले पर्सन का, ये बहुत ज़्यादा डाटा है. सर्वाइविंग कंडीशन ऑफ प्रिजनर्स इन प्रिजन, प्रिजन के अंदर प्रिजनर्स की इनह्यूमेन सिचुएशन के बारे में हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. प्रिजनर्स इन प्रिजन फेस सीवर फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. प्रिजन के अंदर जो प्रिजनर्स होते हैं ये वेरियस फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं. स्टेट की तरफ से इन्हें किसी भी टाइप का कंपेंसेशन प्रोवाइड नहीं कराया जाता है. प्रिजन के अंदर कास्ट बेस पर, क्लास बेस पर एंड रिलीजन बेस पर भी लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है. सम ऑफ दीज प्रिजनर्स कमिट सुसाइड सिग्निफाइंग द इनह्यूमेन प्रिजन कंडीशन इन विच दे लिव, इंक्लूडिंग प्रिजन ओवर क्राउडिंग एज अंडर ट्रायल आर मोस्टली फ्रॉम द मार्जिनलाइज कम्युनिटीज एंड लेफ्ट टू फेंड फॉर देमसेल्व. प्रिजनर्स कई बार सुसाइड कमिट कर लेते हैं, जिससे ये सिग्निफाई होता है कि प्रिजन के अंदर कंडीशंस इनह्यूमेन है, और इसके लिए कई सारे रीजन हो सकते हैं. ओवर क्राउडिंग हो सकता है प्रिजन के अंदर लोगों का, और इसमें सबसे ज़्यादा जो अंडर ट्रायल कम्युनिटीज हैं वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी हैं जिनका कोई ट्रायल नहीं होता है, और जुडिशरी के थ्रू जो जस्टिस की उम्मीद की जाती है उसके लिए यहाँ पर ट्रायल ही नहीं होता है. और जितने भी प्रिजनर होते हैं
मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से ओवर 75% लोग इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इट मीन 3/4 प्रिजनर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। डेमोग्राफिक एडवांटेज, इंडियन इकोनॉमी स्वीट स्पॉट। व्हाट इज इशू? इंडिया इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी एंड इज करंटली द 5th लार्जेस्ट। करंट में इंडिया की जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी है, और वर्ल्ड के लेवल पर अगर इसका देखा जाए तो ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी प्रेजेंट में है। डेमोग्राफिक्स इज अ मेजर फैक्टर इन प्रोपेलिंग दिस राइजिंग इकोनॉमी, गिवन दैट द मीडियन एज इज अराउंड 28 ईयर्स एंड 63% ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑफ वर्किंग एज। इंडिया क्योंकि फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी है और वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसका सबसे बड़ा रीजन यहाँ का डेमोग्राफिक्स है। इंडिया में मीडियन एज लोगों का 28 ईयर्स है एंड वर्किंग एज पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो ओवरऑल पॉपुलेशन का 63% वर्किंग एज पॉपुलेशन है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट स्टूड एट 55.2% इन 2022 अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट रिलीज बाय ILO। ILO के द्वारा रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज किया गया था 2022 के अंदर। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया के अंदर 55.2% था। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ओवरऑल वर्किंग पॉपुलेशन का एक रेट होता है जिसमें करंटली कितने लोग वर्किंग हैं, बिकॉज ओवरऑल वर्किंग पॉपुलेशन में वो लोग भी इंक्लूड हो जाते हैं जो वर्क सर्च कर रहे हैं, बट वर्किंग पॉपुलेशन के साथ अगर करंटली वर्किंग लोगों का रेशो यहाँ पर बनाया जाता है तो ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हो जाता है। करंटली इंडिया के अंदर 55.2% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। वी आर एक्सपीरियंसिंग जॉबलेस ग्रोथ, सो मोर स्टेप्स आर नीडेड टू हार्नेस द डेमोग्राफिक डिविडेंड। बिकॉज इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये जॉबलेसनेस ग्रोथ है, इट मीन्स जॉब अपॉर्चुनिटीज लोगों को इस ग्रोथ के साथ साथ नहीं मिल रही है। यही वजह है कि इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को हार्नेस करने के लिए मोर स्टेप लेने की जरूरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट 2024-25 में इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। द बजट प्रायोरिटाइज 9 एरियाज इंक्लूडिंग, इस बजट के अंदर 9 प्रायोरिटीज पर फोकस किया गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर पर, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर पर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। इससे रिलेटेड डिटेल हम अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्रायोरिटी नंबर 1, प्रोडक्टिविटी एंड रिसिलियंस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, रिसिलियंस को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट के अंदर क्या क्या प्रोविजन किए हैं। इट इंक्लूड्स रिलीजिंग न्यू 109 हाई याइल्डिंग क्रॉप वेराइटीज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बजट के अंदर ये प्रोविजन किया है कि 109 हाई याइल्डिंग क्रॉप वेराइटीज यहाँ पर रिलीज किए जाएंगे। अबाउट 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट सेंटर्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए 1 करोड़ फार्मर्स को यहाँ पर टारगेट किया जाएगा। एंड पल्सेस ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, स्टोरेज को इंक्रीज करने के लिए, मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए इस बजट के अंदर कुछ प्रोविजंस किए गए हैं। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के लिए अबाउट 1.52 लाख करोड़ का यहाँ पर बजट प्रोविजन किया गया है। प्रायोरिटी नंबर 2, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इस बजट में क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बजट इंट्रोड्यूस स्कीम्स लाइक एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स एंड इनिशिएटिव्स टू बूस्ट स्किलिंग विद अ फोकस ऑन स्किलिंग 20 लाख यूथ ओवर अ 5-ईयर पीरियड। आने वाले 5-ईयर पीरियड में 20 लाख यूथ के अंदर स्किलिंग को बूस्ट करने के लिए कुछ यहाँ पर स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जैसे एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स, इनिशिएटिव्स टू बूस्ट स्किलिंग, अपग्रेडिंग 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसके अंडर अबाउट 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपग्रेड किया जाएगा। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर हायर एजुकेशन एंड लोन्स फॉर स्किलिंग, हायर एजुकेशन के लिए और स्किलिंग डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड कराया जाएगा और फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कराया जाएगा। द मॉडल स्किल लोन स्कीम विल बी रिवाइज टू फैसिलिटेट लोन्स अप टू 7.5 लाख विद अ गारंटी फ्रॉम द गवर्नमेंट प्रोमोटेड फंड विच इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प 25,000 स्टूडेंट एवरी ईयर। मॉडल स्किल
लोन स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अबाउट 25,000 स्टूडेंट के लिए 7.5 लाख तक का गारंटेड लोन यहाँ पर प्रोवाइड कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर इस बजट के अंदर ली गई है। प्रायोरिटी नंबर 3 रिलेटेड टू इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस से रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव्स इस बजट के अंदर लिए गए हैं। पूर्वोदय इनिशिएटिव इंडिया के कुछ स्पेशल स्टेट्स के लिए यहाँ पर डेवलप करने के लिए एक इनिशिएटिव है। स्पेशली ईस्टर्न रीजन में जो स्टेट हैं बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश, इन स्टेट को डेवलप करने के लिए पूर्वोदय इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लिया गया है। इस स्कीम के अंडर इन स्टेट में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव लिए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और कंट्री को डेवलप करने के लिए कुछ इकोनॉमिक रिलेटेड इनिशिएटिव्स भी लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान टू एनहांस द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज कवरिंग 63,000 विलेजेस एंड ट्राइबल मेजोरिटी एरियाज एंड डिस्ट्रिक्ट बेनिफिटिंग अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ टू द पीपल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान लॉन्च किया गया है। स्पेशली ट्राइबल कम्युनिटीज के अंडर सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये इनिशिएटिव्स लिया गया है और अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ पीपल को इसके अंडर बेनिफिट करने का प्लान है और ट्राइबल मेजोरिटी एरियाज एंड डिस्ट्रिक्ट के अंदर अबाउट 63,000 विलेजेस को यहाँ पर टारगेट किया गया है और इनके अंडर जो भी पीपल हैं उनको बेनिफिट दिया जाएगा। ओवर 100 ब्रांचेज ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक विल बी एस्टेब्लिश इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन टू एनहांस बैंकिंग सर्विसेज। नॉर्थ ईस्ट रीजन में बैंकिंग सर्विसेज को एनहांस करने के लिए अबाउट 100 ब्रांच इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की इस्टेब्लिश की जाएंगी। ₹2.6 लाख करोड़ एलोकेटेड फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया के रूरल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बजट एलोकेशन की अगर बात की जाए तो 2.66 लाख करोड़ का यहाँ पर बजट एलोकेट किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए इस बजट के अंदर क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं। बजट एम्फेसाइज सपोर्ट फॉर MSME फोकसिंग ऑन लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग विद अ न्यू सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी फंड ऑफरिंग अप टू ₹100 करोड़ फॉर पर एप्लीकेंट। MSME को सपोर्ट करने के लिए इस बजट के अंदर कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। न्यू सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी फंड के अंडर एवरी एप्लीकेंट को स्पेशली MSME से रिलेटेड जो एप्लीकेंट है 100 करोड़ का यहाँ पर फाइनेंस किया जा सकता है। स्कीम फॉर इंटर्नशिप इन 500 टॉप कंपनीज एम्स टू बेनिफिट 1 करोड़ यूथ ओवर 5 ईयर्स। इंटर्नशिप से रिलेटेड स्कीम के अंडर ये प्रोविजन किया गया कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर अबाउट 1 करोड़ यूथ को 500 टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए। मुद्रा लोन लिमिट्स विल इंक्रीज टू ₹20 लाख फॉर प्रीवियस तरुण कैटेगरी बोरोवर्स। प्रीवियस तरुण कैटेगरी बोरोवर्स जितने भी थे इट मीन्स इस कैटेगरी के अंदर जो मुद्रा लोन प्रोवाइड कराया जाता था इस लिमिट को यहाँ पर 20 लाख तक कर दिया गया है। इस बजट के अंदर कुछ और भी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टेकिंग किए गए हैं। जैसे 50 फूड ग्रेन फूड इरेडिकेशन यूनिट्स यहाँ पर बनाने का प्रोविजन है, 100 फूड क्वालिटी लैब्स बनाने का यहाँ पर प्रोविजन है एंड ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड बजट के अंदर क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं। PM आवास योजना अर्बन इसके अंडर अबाउट 10 लाख करोड़ का प्रोविजन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज अबाउट 1 करोड़ लोगों को यहाँ पर जो कि पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज को यहाँ पर टारगेट किया गया और उनके लिए हाउस नीड को एड्रेस किया जाएगा। नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए अबाउट 2.2 लाख करोड़ का बजट इनके लिए स्पेशली सेंट्रल असिस्टेंस यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। एडिशनली बिल्डिंग ऑन द सक्सेस ऑफ PM स्वनिधि द गवर्नमेंट प्लान्स टू एस्टेब्लिश 100 वीकली स्ट्रीट फूड हब्स एनुअली ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए प्लानिंग किया है कि एनुअली 100 वीकली स्ट्रीट फूड हब्स का इस्टेब्लिशमेंट किया जाना चाहिए। एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एम्स टू इंस्टॉल रूफ टॉप सोलर प्लांट फॉर फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू 1 करोड़ हाउस होल्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अबाउट 1 करोड़ हाउस होल्ड को रूफ टॉप सोलर प्लांट्स इंस्टॉल करके फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई
करने का यहाँ पर टारगेट रखा गया, और इसके लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं इस बजट में? फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अबाउट 11.11 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज बीन एलोकेटेड दिस ईयर, विच इज 3.4% ऑफ अवर जीडीपी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 11.11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर प्रोविजन किया गया है, जो कि जीडीपी का 3.4% है। फेज फोर ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना टू कनेक्ट 25,000 रूरल हैबिटेशन विद ऑल वेदर रोड्स ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ हैज बीन अनाउंसड। बजट के अंदर ये भी अनाउंस किया गया है कि अबाउट 25,000 रूरल हैबिटेशन को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंडर सिटी और टाउन्स तक कनेक्ट किया जाएगा। इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या क्या बजट के अंदर प्रोविजन किए गए हैं? गवर्नमेंट विल एस्टेब्लिश द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड टू सपोर्ट बेसिक रिसर्च एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। बेसिक रिसर्च और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड यहाँ पर इस्टेब्लिश करने के लिए प्रोमिस किया है। अलोकेटिंग ₹1 लाख करोड़ टू इस पर प्राइवेट सेक्टर ड्राइव रिसर्च एंड इनोवेशन एट अ कॉमर्शियल स्केल। कॉमर्शियल स्केल पर प्राइवेट सेक्टर ड्राइवन रिसर्च एंड इनोवेशन को स्पर करने के लिए 1 लाख करोड़ का यहाँ पर एलोकेटिंग किया गया है। इट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि रिसर्च सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट किया जाए, और इसके लिए यहाँ पर 1 लाख करोड़ का यहाँ पर प्रोविजन किया गया है। टू एक्सपेंड द स्पेस इकोनॉमी 5-fold इन द नेक्स्ट डिकेड अ वेंचर कैपिटल फंड ऑफ ₹1,000 करोड़ विल बी एस्टेब्लिश। नेक्स्ट 5 ईयर्स में नेक्स्ट डिकेड में स्पेस इकोनॉमी को 5-fold एक्सपेंड करने का जो टारगेट रखा गया है, इसको कंप्लीट करने के लिए अबाउट स्पेस सेक्टर के लिए 1,000 करोड़ का यहाँ पर एलोकेशन किया गया है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स जन विश्वास बिल 2.0 टू इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विल बी इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए जन विश्वास बिल 2.0 यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। प्लान्स फॉर एन इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क लेबर रिफॉर्म्स एंड सिंपलीफिकेशन ऑफ FDI रेगुलेशंस आर आउटलाइंड टू स्पर इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पर करने के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क लेबर रिफॉर्म्स किए जाएंगे, FDI रेगुलेशंस को सिंपलीफिकेशन किया जाएगा। देर इज अ नीड टू बूस्ट स्किलिंग। स्किलिंग को बूस्ट करना बहुत जरूरी है अगर हमें इकोनॉमी को बूस्ट करना है। स्किलिंग इज एन इंपॉर्टेंट टू मेकिंग फ्यूचर जनरेशन प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। फ्यूचर जनरेशन को अगर सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव मेंबर हमें बनाना है, तो इसके लिए हमें स्किलिंग को बूस्ट करना होगा। इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइटेड दैट ओनली 4.4% ऑफ द वर्कफोर्स इन एज कोहोर्ट ऑफ 15 to 29 ईयर्स इज फॉर्मली स्किल्ड। इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में 15 to 29 ईयर्स के जो वर्कफोर्स है, इनमें से ओनली 4.4% वर्कफोर्स ही स्किल्ड है, बाकी 95.6% लोग अनस्किल्ड हैं। एम्फेसिस ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑन फाउंडेशनल स्किल एज वेल एज हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज अ गुड स्टेप, बट इन अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वर्ल्ड। बिकॉज पूरा वर्ल्ड कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, एजुकेशन के अंडर भी कुछ स्किल डेवलपमेंट के लिए चेंजेज होने चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 के अंदर कुछ फंडामेंटल स्किल्स को बूस्ट करने के लिए प्रोविजन किए गए हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच जनरेट करने के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एम्फेसिस किया गया है। इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हर सेक्टर में कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मशीन लर्निंग का भी बहुत बड़ा रोल है, तो इसका जो रोल है इसको भी हमें डिस्कस करना होगा। इन एन एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग वी मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, नाइदर शुड इट बी डिमोनिज्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का ये एरा चल रहा है, दोनों को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते और ना ही इनको हम डिमोनाइज कर सकते हैं। देर इज अ नीड टू अप्रोप्रिएट रेगुलेशन टू गवर्न AI एंड ML वाइल हार्नेसिंग इट। हर सेक्टर में आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज कर रहे हैं, बट इसको गवर्न करने के लिए अप्रोप्रिएट रेगुलेशन की जरूरत है, बिकॉज इसके कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट्स भी हैं जिसका सीधा इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर पड़ता है। ILO की रिसेंट रिपोर्ट में शो किया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की वजह से जॉब डिक्रीज हुआ है। क्लाइमेट चेंज क्राइसिस एजेंडा रिमेंस अर्जेंट। बिकॉज क्लाइमेट
चेंज क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में शो हो रहे हैं, और इसको कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड लेवल पर एजेंडा बनाना होगा। वॉट इज इशू? द नेक्स्ट 5 ईयर्स आर क्रिटिकल फॉर इंडियाज क्लाइमेट एक्शन एफर्ट्स गिवन इट्स एम्बिशियस 2030 टारगेट। बिकॉज इंडिया के 2030 के लिए बहुत सारे टारगेट हैं, और इन टारगेट को अचीव करने के लिए नेक्स्ट 5 ईयर्स इंडिया के क्लाइमेट एक्शन एफर्ट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वेल, सिग्निफिकेंट एडवांसेस इन सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी आर अंडर वे। इंडियाज हैवी रिलायंस ऑन कोल रिमेन्स अ कंसर्न, विद क्लीन एनर्जी अकाउंटिंग फॉर ओनली 22% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी मिक्स। इंडिया ने सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे सिग्निफिकेंट एडवांसेस किए हैं, बट अभी भी इंडिया कोल पर हैवीली रिलायंस करता है, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से एक कंसर्न रेज होता है कि किस तरह से इंडिया का रोल ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में है। और जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये लगभग कोल पर एनर्जी के लिए ज़्यादातर डिपेंड है, इंडिया भी उनमें से एक कंट्री है। बात अगर क्लीन एनर्जी की जाए इंडिया के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ओनली 22% ही क्लीन एनर्जी के रूप में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। की इन्वायरमेंटल इशूज दैट नीड अर्जेंट अटेंशन इंक्लूड रिड्यूसिंग हीट स्ट्रेस, इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी, मैनेजिंग वेस्ट एंड एनहांसिंग एनर्जी एफिशिएंसी। इंडिया और वर्ल्ड के सामने की इन्वायरमेंटल इशूज की अगर बात की जाए, ये वो इशूज हैं जिन्हें अर्जेंटली अटेंशन के साथ हमें रिड्यूस करने के लिए एफर्ट्स करने होंगे, स्पेशली रिड्यूसिंग हीट स्ट्रेस, इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी, मैनेजिंग वेस्ट, एनहांसिंग एनर्जी एफिशियंसी। ये वो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं जिन पर पूरे वर्ल्ड को और इंडिया को अटेंशन यहाँ पर रेज करना होगा। मिटिगेटिंग पॉल्यूटेंट्स, इंडिया इज हाईली वल्नरेबल टू हीट स्ट्रेस एंड मे सून फेस हीट वेव्स बियॉन्ड ह्यूमन सर्वाइवेबिलिटी लिमिट्स। इंडिया बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करता है, और आने वाले टाइम में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ह्यूमन सर्वाइवेबिलिटी को ये लिमिट कर सकता है। इट मीन्स हीट स्ट्रेस इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। देर इज अ नीड टू मिटिगेट CO2 एमिशंस एंड शॉर्ट लिव्ड सुपर पोल्यूटेंट्स सच एज मिथेन, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, इसके लिए इसको कंट्रोल करने के लिए हमें CO2 एमिशंस को मिटिगेट करना होगा, एंड शॉर्ट लिव्ड सुपर पोल्यूटेंट्स सच एज मिथेन, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को हमें मिटिगेट करना होगा। दिस सुपर पोल्यूटेंट्स स्पेशली मीथेन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ग्लोबल वार्मिंग एंड ट्रैप्ड मच मोर हीट देन CO2 ओवर शॉर्ट पीरियड। सुपर पोल्यूटेंट में स्पेशली अगर मीथेन की बात की जाए, तो मीथेन एक ऐसा सुपर पोल्यूटेंट है जो ग्लोबल वार्मिंग में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करता है, बिकॉज CO2 के कंपेयर में ये मोर हीट को ट्रैप करता है। इट मीन्स मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग को इनक्रीज करने में CO2 के कंपेयर में बहुत ज़्यादा रोल है। मीथेन एमिशंस कैन बी रिड्यूस थ्रू फाइनेंशियली फिजिबल गैस कैप्चर एंड बायोगैस प्रोजेक्ट, इंप्रूविंग अर्बन सैनिटेशन। मीथेन एमिशंस को अगर हमें कंट्रोल करना है, तो हमें इसके लिए फाइनेंशियली फिजिबल गैस कैप्चर हमें डिप्लॉय करने होंगे, एंड अर्बन सैनिटेशन के अंडर बायोगैस प्रोजेक्ट को इम्प्रूव हमें करना होगा। अगर हम ये स्टेप टेकिंग करते हैं, तो इससे हम काफ़ी हद तक मीथेन एमिशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। रिड्यूस शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स सच एज ब्लैक कार्बन एंड एनहांसिंग द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव एयर क्वालिटी एंड पब्लिक हेल्थ। एयर क्वालिटी एंड पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया के अंदर पूरा वर्ल्ड लेवल पर शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स सच एज ब्लैक कार्बन एंड मिथेन, इनको हमें रिड्यूस करना होगा, और कंट्री लेवल पर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम्स लॉन्च करने होंगे। क्लीनिंग द एयर विल रिक्वायर 5 क्रिटिकल चेंजेस। एयर को क्लीन करने के लिए हमें अबाउट 5 क्रिटिकल चेंजेस करने होंगे। फोस्टरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को फोस्टर करना होगा, एंड क्लीन एयर में हमें प्रोएक्टिव इन्वेस्टमेंट करने होंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंटीग्रेट करना होगा। डाटा ड्राइवन इंटरवेंशंस को लिवरेज करना होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ के ड्राइवर के तौर पे हमें क्लीन एयर को रिकॉग्नाइज करना होगा। इट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ
के लिए क्लीन एयर पर फोकस नहीं किया जाता है। क्लीन एयर को हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ कहीं ना कहीं एज ए ड्राइवर ट्रीट करना होगा। इफेक्टिव सॉल्यूशंस रिक्वायर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करने होंगे। अगर हमें इफेक्टिव सॉल्यूशंस चाहिए, बेटर मॉनिटरिंग करना होगा एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स कुछ हमें करने होंगे। हाईलाइटिंग द इकोनॉमिक एंड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ क्लीन एयर फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। इकोनॉमिक एंड हेल्थ बेनिफिट अगर हमें बेनिफिट ऑफ क्लीन एयर ये सब बेनिफिट अगर हमें ऑल स्टेक होल्डर्स तक पहुँचाने तो इसके लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करने होंगे, बेटर मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स कंट्री लेवल पर करने होंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन मार्केट। कार्बन मार्केट का इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है। कार्बन मार्केट्स विज हेल्प इंसेंटिवाइज रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस बाय ऑफरिंग फाइनेंशियल रिवार्ड फॉर कटिंग एमिशंस। कार्बन मार्केट ग्रीन हाउस गैसेस के रिडक्शन में हेल्प कर सकता है, बिकॉज जो कंट्री ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कटिंग डाउन करते हैं, कार्बन मार्केट के अंदर उसको फाइनेंशियल रिवार्ड ऑफर कराए जाते हैं। टू कीप ग्लोबल टेम्परेचर फ्रॉम राइजिंग अबाउट 1.5 to 2 डिग्री सेल्सियस, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस नीड टू बी रिड्यूस बाय एटलीस्ट 43%। कार्बन मार्केट्स विल प्ले अ क्रिटिकल रोल इन ड्राइविंग दीज रिडक्शंस। अगर हमें ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक कंट्रोल करना है तो इसके लिए हमें ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को 43% तक रिड्यूस करना होगा, और इसके लिए कार्बन मार्केट कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इंडिया एम्स टू लॉन्च द इंडिया कार्बन मार्केट इन 2026। बात अगर इंडिया की जाए तो इंडिया 2026 में अपना कार्बन मार्केट लॉन्च करने वाला है। दिस वुड हेल्प इट अचीव इट्स नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन गोल एंड पोटेंशियली बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम बाय 2030। अगर 2026 में इंडिया कार्बन मार्केट लॉन्च कर देगा तो इससे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन गोल जो इंडिया के हैं उनको अचीव करने में कहीं ना कहीं हेल्प मिल सकती है, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया लार्जेस्ट एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम 2030 तक अपना बना सकता है। इट मीन्स इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट कार्बन मार्केट अपना बना सकता है। अ वेल डेवलप्ड कार्बन मार्केट इन इंडिया कुड अवॉइड $35 ट्रिलियन इन क्लाइमेट रिलेटेड कॉस्ट ओवर द नेक्स्ट 50 ईयर्स। इंडिया के अंदर अगर वेल डेवलप्ड कार्बन मार्केट इस्टेब्लिश होता है तो नेक्स्ट 50 ईयर्स में जो क्लाइमेट रिलेटेड कॉस्ट अबाउट $35 ट्रिलियन का हो सकता है, इसको हम सेव कर सकते हैं। क्लाइमेट क्राइसिस शुड बी अ पार्ट ऑफ इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन वर्ल्ड के सभी कंट्रीज के अंदर होते हैं। इलेक्शन कैंपेन का पार्ट क्लाइमेट क्राइसिस को बनाना होगा और वोटर्स को भी डिमांड करना होगा कि क्लाइमेट रिलेटेड एफर्ट्स कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के थ्रू किए जाएं। द 2024 लोकसभा इलेक्शन लार्जली इग्नोर्ड द एस्केलेटिंग क्लाइमेट क्राइसिस। वोटर्स शुड डिमांड टू ऐड क्लाइमेट इन इलेक्शंस। इंडिया के अंदर 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, इस इलेक्शन के कैंपेन में क्लाइमेट क्राइसिस को कम्प्लीटली इग्नोर किया, और वोटर्स को यह डिमांड करना चाहिए कि क्लाइमेट पर उनके कैंडिडेट फोकस करें। आफ्टर विनिंग ड्यूरिंग 2024 लोकसभा इलेक्शन, टेम्परेचर अक्रॉस द कंट्री आर एट एन ऑल टाइम हाई। दैट इज वाई ऑल्सो लो वोटर टर्नआउट वॉज एट्रीब्यूटेड टू सीइंग हीट वेव्स अक्रॉस द कंट्री। कंट्री के अंदर जो अभी 2024 लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, इसका टर्नआउट वोटर अगर हमें बढ़ाना है तो क्लाइमेट पर फोकस करना होगा, बिकॉज जिस टाइम पर ये इलेक्शंस हो रहे थे उस टाइम पर हीट वेव्स की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं वोटर वोटिंग के टाइम डायरेक्टली क्लाइमेट इम्पैक्ट को फेस कर रहे थे। क्लाइमेट प्रोग्रेसिव लीडरशिप विल नीड टू रिलेंटलेसली वर्क फॉर एन एनवायरमेंटली बेटर इंडिया। इंडिया के अंदर अगर क्लाइमेट प्रोग्रेसिव लीडरशिप होती है तो इसकी वजह से इन्वायरमेंट को बेटर किया जा सकता है।